मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामलीला मैदान से संत शिरोमणि रविदास के स्मारक निर्माण के लिए समरसता यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा 45 जिलों और 53,000 गांवों से निकलेगी। यात्रा से गांव गांव की मिट्टी और 315 नदियों का जल लाया जाएगा, जिसे 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में संत रविदास के स्मारक का शिलान्यास करेंगे। सिंगरौली जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास ने ऐसे राज्य की परिकल्पना की थी जहां हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले और सभी का कल्याण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में ऐसे ही शासन व्यवस्था स्थापित की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समरसता यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि मैंने संत रविदास की जयंती पर 8 फरवरी को सागर में घोषणा की थी कि वहां 102 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर और स्मारक बनाया जाएगा, जो समाज को शांति, सद्भाव और समरसता का संदेश देगा। उन्होंने कहा कि समरसता यात्रा संत रविदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है, जो प्रदेश के 45 जिलों और 53,000 गांवों से होकर निकलेगी। यात्रा से हर गांव की मिट्टी और 315 नदियों का जल शिलान्यास स्थल पर लाया जाएगा, जिससे 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में संत रविदास के स्मारक का शिलान्यास करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।